हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है? इफ 3 द पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 9 का पावर एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 का पावर 1 प्लस एक्स। तो पहले एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ 3 का पावर एक्स प्लस 1 है और इधर कर देते हैं 3 का स्क्वायर 9 को और पावर में एक्स माइनस 2। तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 का पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 3 का पावर 2x माइनस 4। तो बेस बेसिक और पावर को इक्वेट कर देंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू में 2x माइनस 4। एक तरफ करते हैं x माइनस का 2x इक्वल टू में माइनस 4 माइनस का 1, तो माइनस x इक्वल टू में माइनस का 5, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। हमें वैल्यू किसका निकालना है, 2 का पावर 1 प्लस x का, यानी 2 का पावर 1 प्लस 5, यानी 2 का पावर 6, यानी 6 यानी कि 64 आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। दिया हुआ है कि इफ 3 का पावर 4x इक्वल टू में 81 का पावर माइनस 1 एंड 10 टू द पावर 1 बाई y इक्वल टू में 0.0001, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर माइनस x प्लस 4y। तो हमें x और y के पहले वैल्यू निकालना होगा। यहाँ 3 का पावर 4x है और इसे 3 का पावर 4 करेंगे और पावर में है माइनस 1, यानी कि 3 का पावर 4x इक्वल टू में है 3 का पावर माइनस 4, यानी 4x इक्वल टू में माइनस का 1, सॉरी 4x इक्वल टू माइनस 4, यानी x का वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसे एक काम कर सकते हैं, यहाँ 10 का पावर 1 बाई वाई दिया है ना जी, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो 10 का पावर 1 बाई वाई और इसे लिख दो 1 बाई कितना हो जाएगा 2 to 4 0, यानी 10 का पावर 1 बाई वाई इक्वल टू में 1 बाई 10 का पावर 4, यानी 10 का पावर माइनस 1 बाई वाई, सॉरी 10 का पावर 1 बाई वाई, 10 का पावर 1 बाई वाई इक्वल टू में 10 का पावर माइनस 4, यानी 1 बाई वाई इक्वल टू में माइनस का 4, यानी वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 बाई 4, माइनस 1 बाई 4। हमें वैल्यू निकालना है 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 4 वाई का ना, 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 4 वाई का, एंड 2 का पावर माइनस माइनस 1 और प्लस का 4 इंटू वाई के प्लेस पर माइनस 1 बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 का पावर 1 माइनस 1 यानी कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि दिया है 5 का पावर 3x इक्वल टू 125 और 10 टू द पावर y इक्वल टू 0.001। अच्छा, यहाँ 5 का पावर 3x इक्वल टू 5 का क्यूब कर सकते हैं ना, यानी कि यहाँ पे 3x इक्वल टू में 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ 10 टू द पावर y इक्वल टू, इसे आप चाहो तो 10 का पावर माइनस 3 कर सकते हैं, तो यहाँ y का वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगा। चाहे तो आप इसे 1/1000 लिख के भी फिर इसे ऐसे चेंज कर लेंगे, समझे ना बात को, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई का वैल्यू यहीं से आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं, 3 का पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 27 इंटू 3 का पावर 4 दिया है। 3 का पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू में से 3 का क्यूब और इंटू में 3 का पावर 4 कर सकते हैं। 3 का पावर x प्लस 1 इक्वल टू में 3 का पावर 7 ना हो जाएगा, बेस बेसिकल पावर ऐड कर लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, यानी x का वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। दिया हुआ है 4 का पावर 2x इक्वल टू में क्यूब रूट ऑफ 16 द पावर माइनस 6 बाई वाई इक्वल टू में यहाँ पर रूट अंडर 8 का स्क्वायर। अलग अलग इक्वेट करते हैं, देखो हम लोग 4 का पावर 2x इक्वल टू में रूट अंडर 8 का पावर, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 2, इसको कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे और यहाँ लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 16 का पावर माइनस 6 बाई वाई इक्वल टू में रूट अंडर 8 का पावर 2। इसको देखिए 4 का पावर 2x है तो इसको हम लोग 2 का पावर कर ले क्या, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको 2 का पावर 2 द पावर 2x इक्वल टू में, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 8 द पावर 1 बाई 2 और इन टू में 2, रूट हटेगा तो ये 2 से 2 हट जाएगा, यहाँ 2 का पावर 4x हो जाएगा, यहाँ 8 सिर्फ बचा है, जब ये 8 बचा हुआ है तो इसको 2 का क्यूब कर लेते हैं, तो 4x इक्वल टू में 3, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3 बाई में 4। यहाँ आप चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 16 का पावर माइनस 6 बाई वाई इन टू में 1 बाई 3, देख रहे ना जी क्यूब रूट है, और यहाँ 8 का पावर 1 बाई 2 द पावर 2, तो यहाँ इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ 3 टू जा 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ इससे आप चाहो तो 16 को 2 का पावर 4 द पावर माइनस का 2 बाई वाई और यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी आ जाएगा 2 का पावर माइनस 8 बाई वाई इक्वल टू में 2 का क्यूब। बेस बेस इक्वल पावर को इक्वेट कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा,
तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस एट बाई वाई इक्वल टू में थ्री, ठीक है, थ्री वाई इक्वल टू माइनस का एट, यानी वाई इक्वल टू में माइनस एट बाई थ्री इसका वैल्यू आ गया, समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं, दिया हुआ है थ्री का पावर एक्स माइनस वन इंटू फाइव का पावर टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू में 225। देखिए इसे हम लोग थ्री का पावर एक्स बाई में थ्री कर सकते हैं और इंटू फाइव का पावर टू वाई बाई में फाइव का पावर थ्री कर सकते हैं और इक्वल टू में 225 है, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री का स्क्वायर और इंटू में फाइव का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, यहाँ फाइव का कितना स्क्वायर ही ना होगा। चलिए तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ एक काम करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे इन दोनों को। तो देखिए थ्री का पावर एक्स है और आप इसे चाहो तो 25 का पावर वाई कर सकते हैं और इक्वल टू में यहाँ थ्री का पावर थ्री और फाइव का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, फाइव का पावर फाइव हो जाएगा, है ना जी। हमने यहाँ गलती कर दी है, फाइव का पावर टू वाई था ना, इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए था, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, अब यहीं से इक्वेट कर देंगे हमारा काम बन जाएगा। तो x का पावर थ्री का पावर x इक्वल टू थ्री का पावर थ्री और यहाँ पर फाइव का पावर टू वाई इक्वल टू में फाइव का पावर फाइव, तो यहाँ से x का वैल्यू थ्री आ जाएगा और टू वाई इक्वल टू में फाइव यानी y का वैल्यू आ जाएगा फाइव बाई टू, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका फोर नंबर देखते हैं, टेन का फोर नंबर से देखिए, एट का पावर x प्लस वन इक्वल टू में सिक्सटीन का पावर y प्लस टू एंड दूसरा चीज दिया है कि वन बाई टू का पावर थ्री प्लस एक्स इक्वल टू में वन बाई फोर का पावर थ्री वाई। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसे टू का क्यूब कर देते हैं और पावर में है एक्स प्लस वन, यहाँ टू का पावर फोर कर देते हैं और पावर में है वाई प्लस टू, यानी यहाँ टू का पावर थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल हो जाएगा टू का पावर फोर वाई प्लस का एट, यानी आ जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू में फोर वाई प्लस का एट। तो यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको ले जाकर तो सबट्रैक्ट करेंगे तो 3x इक्वल टू में हो जाएगा 4y प्लस का 5, है कि नहीं, यानी आपका x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4y प्लस 5 बाई थ्री, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 1 बाई टू का पावर 3 प्लस एक्स इक्वल टू में 1 बाई टू का स्क्वायर कर देते हैं और पावर में 3y है, बेस बेस इक्वल पावर इक्वल हो जाएगा तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 6y। अब देखिए 3 प्लस एक्स का वैल्यू ये रख देते हैं 4y प्लस 5 बाई थ्री इक्वल टू में 6y, कैसे हुआ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 3 9 प्लस का 4y प्लस का 5 इक्वल टू में 6y। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये 6 3 18y इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 14 और प्लस का 4y, इसको इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14y हो जाएगा इक्वल टू 14 जाएगा डिवाइड में y का वैल्यू बना गया, y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू में 4 इंटू में 1 प्लस 5 बाई 3, यही ना हो जाएगा जी, तो ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे 3, तो 9 बाई 3 यहाँ से कट के आपका 3 आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, देयरफॉर x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 1 हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब इसका 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर में दिया है 4 का पावर x माइनस 1 इंटू में 0.5 का पावर 3 माइनस का 2x इक्वल टू में 1 बाई 8 का पावर x। अब देखिए इसको आप इसे 2 का स्क्वायर कर लो और पावर में x माइनस 1 इंटू यहाँ पर इसे आप 5 बाई 10 कर लो और पावर में 3 माइनस का 2x इक्वल टू में यहाँ आप इसे 1 बाई 2 का क्यूब कर लो और पावर में x। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ देखते हैं 2 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2x माइनस 2, अच्छा ये 5 टू जो 10 2, ये 2 का पावर माइनस 1 ना हो जाएगा और पावर में यहाँ पे है 3 माइनस का 2x इक्वल टू में यहाँ 2 का पावर माइनस 3 का पावर x। अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं 2 का पावर 2x माइनस 2 इंटू में 2 का पावर माइनस 3 प्लस का 2x इक्वल टू 2 का पावर माइनस 3 x। अब आगे देखिए पावर पावर ऐड हो जाएगा तो 4x हो जाएगा 2 का पावर और माइनस का 5 इक्वल टू 2 का पावर माइनस का 3x।
चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बेस बेस इक्वल पावर इक्वल 4x माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 3x, या कि इधर हो जाएगा 7x और ये जाके उधर प्लस का 5, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 5 बाई में 7। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका 6 नंबर देखिए, यहाँ पे दिया है कि रूट अंडर ए बाई बी इक्वल टू में बी बाई ए का पावर 1 माइनस 2x, वेयर ए एंड बी आर द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम। चलिए देखते हैं, ए बाई बी का पावर इसे चाहो तो 1 बाई टू नहीं लिख सकते, और इधर है बी बाई ए का पावर 1 माइनस 2x, इसे आप पलट देंगे तो बी बाई ए का पावर माइनस का 1 बाई टू इक्वल टू में बी बाई ए का पावर 1 माइनस का 2x। बेस बेस इक्वल पावर को इक्वेट कर देंगे, माइनस 1 बाई टू इक्वल टू में 1 माइनस का 2x, इधर आके प्लस का 2x, इधर 1 प्लस का 1 बाई टू, यानी 2x इक्वल टू में हो जाएगा 3 बाई टू, यानी x इक्वल टू में 3 बाई में 4 आ जाएगा। समझ गए। सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इफ दिया हुआ है 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 5 का पावर z इक्वल टू में 2160, फाइंड x y z एंड हेंस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए x y z पहले निकालते हैं, 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू में 5 का पावर 2 इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2160 का, 2 से ले जाते हैं 1080, फिर 2 से ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 540, फिर 2 से ले जाते हैं तो 270, फिर 2 से ले जाते हैं तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ 135। चलिए अब 3 से ले जाएंगे, 3 से 45 टाइम्स में, फिर 3 से फिर आपका आ जाएगा 15 टाइम्स में, फिर 3 से 5 टाइम्स में, तो दे सकते हैं 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 4, y का वैल्यू हो जाएगा 3 और z का वैल्यू हो जाएगा 1। अब इसके बाद हमें कंप्यूट करना है 3 का पावर x इंटू 2 का पावर माइनस y, 2 का पावर माइनस y और 5 का पावर माइनस z। तो आप लिखें 3 का पावर, 3 का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 का पावर x का वैल्यू है 4, 2 का पावर y का वैल्यू तो माइनस 3 और 5 का पावर z का वैल्यू तो माइनस 1, तो ये हो जाएगा 81 और नीचे ये आएगा तो 2 का क्यूब और 5, 81 बाई 85 जब 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ 1176 इक्वल टू 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 7 का पावर c, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड हेंस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस एज फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं, हम लोग पहले 1176 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करते हैं, तो हम लोग पहले ले जाते हैं आपके 2 से 5 5 8 8, 2 से ले जाएंगे तो आ जाएगा आपका 2 9 2 2 9 4, फिर आपका 2 से ले जाएंगे 1 4 7। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ले जाते हैं 3 से, 3 से तो यहाँ 49 और 7 से तो 77 हो गया, यही ना हो जाएगा जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 और 7 का पावर 2 इक्वल टू 2 का पावर a, 3 का पावर b, 7 का पावर c। यहाँ से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2 हो जाएगा। हमें निकालना है वैल्यू 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 7 का पावर माइनस c का, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 7 का पावर माइनस का 2, ये 8, ये 3 और बाई में नीचे 7 का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पे 24 और बाई में 49। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या कर अज्यूमिंग दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट नंबर दिया है रूट ऑफ एक्स का पावर माइनस 3 द होल पावर 5, तो देखिए स्क्वायर रूट है तो यह एक्स का पावर माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा और इसका पावर में है 5, यानी आ जाएगा एक्स का पावर माइनस का 15 बाई 2, पॉजिटिव करने के लिए 1 बाई x का पावर 15 बाई 2 हो जाएगा। चलते हैं अब इसके सेकेंड नंबर पे, रूट अंडर x क्यूब इंटू y का पावर माइनस 2 दिया है, तो आप एक काम करो, इसे ऐसे कर सकते हो, रूट हटा दो, रूट हटाओगे तो x क्यूब y का पावर माइनस 1 बाई 2 द होल पावर 1 बाई 2 हो जाएगा। रूट हटेगा तो पावर में 1 बाई 2 लगेगा ना, तो x का पावर 3 बाई 2 है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा और y का पावर माइनस 1, यानी x का पावर 3 बाई 2 बाई में y, पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके चले आए, समझ गए ना, पावर पॉजिटिव करने के लिए। चलिए अब इसका हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, दिया है 5 5 5th रूट ऑफ 243 एक्स का पावर 10 y का पावर 5 z का पावर 10, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 243 एक्स का पावर 10 y का पावर 5 और z का पावर 10 द होल पावर 1 बाई 5,
तो आप एक काम करो, 243 की जगह 3 का पावर 5 कर सकते हैं, x का पावर 10, y का पावर 5 और z का पावर 10। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पावर में 1/5 है, तो 3 का पावर 1 यानी होगा ना मल्टीप्लाई, तो 3 आ जाएगा, y का पावर 2, x का पावर 2 आ जाएगा, x का पावर 2 y आ जाएगा और फिर z का पावर 2 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। समझे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर x का पावर -4, y का पावर -10, द होल पावर 5/4। इसको पढ़ रहे थे पॉजिटिव करने के लिए, y का पावर 10, x का पावर 4 और पावर में 5/4। तो y का पावर 10 इंटू में 10 इंटू में 5/4 और यहाँ x का पावर 4 इंटू में 5/4, ये यहाँ से कट जाएगा 2, यहाँ 5। तो y का पावर हो जाएगा यहाँ पे 25/2 और यहाँ x का पावर 5। समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। इसका 5 नंबर देखिए, दिया हुआ है √2/√3 का पावर 5, √2/√3 का पावर 5 इंटू में 6/7 का पावर 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर इसे लिख देते हैं 2/3 का पावर 1/2 इंटू 5 और यहाँ है 6/7 का पावर 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अब क्या करते हैं यहाँ पर, यहाँ 2/3 का पावर 5/2 इंटू 6/7 का पावर 2 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 का पावर 5/2 डिवाइड 3 का पावर 5/2, ठीक है, अच्छा इंटू में इसे 6 को 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 कर देते हैं 6 को और बाई में 7 का पावर 2। चलिए देखिए ये इंटू में पावर ऐड हो जाएगा तो 2 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2, ठीक है, और ये डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 का पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो, या फिर नीचे ही कर देते हैं, नीचे ही लिख देते हैं 3 का पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर नीचे, ठीक है 3 का पावर 1/2 और इंटू में यहाँ 1/7 का पावर 2 है ना जी। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर सबका पावर 1/2 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 9 और नीचे बाई में 3 और यहाँ 7 का पावर 4 लेना होगा, तभी इंटू होगा तो फिर ये आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का पावर 9 512 हो जाएगा और यहाँ 3 इंटू में 7 का पावर 4, 7 7 14 9, 49 में 49 से इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा कितना हो जाएगा, आ जाएगा 2401 और पावर में 1/2। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 512 बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 7203 का पावर 1/2, यही इसका आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशंस। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।